खत्म हुआ इंतजार, आ गया है मंगलवार। और हर मंगलवार को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नया वीडियो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम सभी के घर में होती है, उनका 9 को सिंपल एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। तो मेरी प्यारी सखियों, पेश है आज का वीडियो। नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। बच्चे जल्दबाजी में न जाने कितनी ही बार प्रॉपरली क्लिप नहीं लगाते हैं, और बस थोड़ी सी लापरवाही और बड़ा सा नुकसान। कभी सामान ढूल जाता है, तो कभी चींटियाँ घुस जाती है, और कभी प्रॉपरली क्लिप नहीं लगाने के कारण सामान सौगी हो जाता है। यहाँ पर ही देखिए, उसने टैंक बनाया और टैंक में किस तरीके से क्लिप लगाई है। तो बच्चों और बच्चों के पापा की हड़बड़ी को ध्यान रखते हुए मैंने क्लिप में कुछ चेंजेस किए हैं। क्लिप के दोनों तरफ मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स चिपका दी है। ये सामान पर अच्छे से पकड़ बनाए रखती है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आइडिया, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। गर्मियाँ आ गई है और शावर का मज़ा लेना है, तो हम महिलाओं के लिए तो शावर कैप मस्ट है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम बाल गीले नहीं कर सकते। और मार्केट से जो हम शावर कैप खरीदते हैं, एक तो उसका इलास्टिक बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और दूसरा जो उसका प्लास्टिक आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी का होता है। इसलिए सोचा क्यों ना घर पर ही बनाया जाए। इसके लिए आप एक बड़े साइज़ की पॉलीथीन ले लीजिए, गोल साइज़ में कट करके इसके चारों किनारों को मोड़ लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर हम इलास्टिक डालने वाले हैं। ये काम आप चाहें तो सुई धागे से कर सकती हैं या मशीन से भी कर सकती हैं। बस 2 मिनट में हमारी शावर कैप बनकर तैयार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब मशीन निकाली है तो चलिए लगे हाथों बेड साइड कैडी भी बना ही लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी पिलो कवर ले लीजिए, और इसे वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड करके 2 या 3 टांके लगा लीजिए, जिससे इसमें पॉकेट्स बन जाएगी। काम बहुत छोटा सा है, पर ये है बहुत काम की चीज़। इसे आप ज़रूर से बनाइएगा। इसे आप बेड पर, सोफे पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब चीज़ें अपनी जगह पर मिल जाती है, बार बार उठना नहीं पड़ता है, और घर भी मैनेजेबल रहता है। सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके के स्विच बोर्ड बहुत ही अच्छे होते हैं, पर कुछ भी प्लग करने के लिए हमें बार बार इसे पेंसिल से ऊपर करना पड़ता है, और फिर ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और पेंसिल हर बार मैं इधर उधर रख देती, बार बार बच्चों से पूछती, तो बच्चे भी कहते क्या मम्मी आपने फिर से घुमा दी। तो सोचा पेंसिल को ही यहाँ पर रख दिया जाए, जिससे हर बार की टेंशन ही ख़त्म। इसके लिए मैंने लिया एक पैन का ढक्कन, इसे वीडियो में दिखाए अनुसार मास्किंग टेप की सहायता से कोने में ही चिपका दिया।
और इसी के अंदर पेंसिल रख दी। वैसे भी ये कोने में है तो इस वजह से इसका लुक भी खराब नहीं हो रहा और हमारा काम भी बन गया। स्वेटर शॉल खरीदने तिब्बती मार्केट तो आप गए ही होंगे, नहीं तो मेला तो आपने जरूर से देखा ही होगा कि कैसे छोटी सी स्टॉल में वह अपना सारा सामान डिस्प्ले करते हैं। तो ये आइडिया भी मुझे वहीं से आया। मेरे पास ये एक वाइपर रखा था जो टूट चुका है, तो बस इसी की रॉड और कुछ पुरानी डोरियों का यूज़ करके मैं ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ। देखिए बातों ही बातों में हमारा ये बनकर भी तैयार हो गया। आइए देर किस बात की, कपड़े हैंग करके देखते हैं। अमेजिंग, ये आइडिया पूरी तरीके से काम करता है। अगर आपके भी वार्डरोब में स्पेस कम है तो आप ये आइडिया जरूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो स्टेचू खेलते हैं, बस वो ही हम अपनी साड़ियों के साथ करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब जब हमारे वार्डरोब में एक्स्ट्रा स्पेस बन ही गई है तो क्यों ना साड़ियाँ भी लटका दी जाए। पर साड़ियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्लिप बहुत होती है और फिसल के बाबा नीचे गिर जाती है। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो साड़ियों को वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड करके देखिएगा। साड़ियाँ फिसलना तो दूर, अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। स्टैचू, अरे आपको नहीं आपकी साड़ियों को किया है। मेरी बेटी इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती है कि उसके क्लासमेट इवन क्लास टीचर भी ये नहीं मानती कि ये ड्राइंग उसने बनाई है। सब कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने बनाई होगी। अब जब बेटी इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती है तो उसे मोटिवेट करने के लिए मैं उसे पिक्चर्स दीवार पर लगाने के लिए अलाउ कर देती हूँ। पर डबल साइडेड टेप की वजह से देखिए दीवार का प्लास्टर भी उखड़ जाता है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है और डबल साइडेड टेप के कारण दीवार खराब हो रही है तो इसके लिए आप मास्किंग टेप का यूज़ कीजिए। पहले दीवार पर मास्किंग टेप और उसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगाइए और फिर पिक्चर चिपका दीजिए। इस तरह दीवार भी ख़राब नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार तरीका है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी इसे अभी ही ट्राई करके देखा है। मास्किंग टेप से याद आया, मेरी अंगूठी कभी बालों में तो कभी साड़ी में फंस जाती है, तो उसे भी तो इसकी मदद से ठीक करना है। तो इस तरह की एडजस्टेबल रिंग को आप अपनी अंगुली की साइज़ के अकॉर्डिंग करने के बाद आप उसे मास्किंग टेप से कवर कर दीजिए, जिससे वो बालों और कपड़ों में नहीं उलझेगी। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर इस तरह की बड़े साइज़ की रिंग आपके पास भी है तो कभी कभी आप उसको हेयर टाई की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। सिंपल, इसमें कोई भी रबर बैंड घुसाकर इसे यूज़ कीजिए। आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने वाली हूँ। उनके बेल्ट का कलर फीका पड़ गया है और उसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, तो बस इसी को फिर से नया जैसा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलिन और कॉटन पैड का। पहले मैं बेल्ट पर थोड़ी सी वैसलिन लगा लूँगी और फिर इसे कॉटन पैड की मदद से पूरे सर्कुलर मोशन में इसे सारी जगह अप्लाई कर दूँगी। और ये क्या मैजिक, बेल्ट फिर से नई जैसी हो गई, इसके क्रैक्स गायब हो गए और इसकी चमक फिर से लौट आई। पूरी जगह वैसलिन लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा वैसलिन निकालने के लिए या तो एक नए कॉटन पैड का या इसी कॉटन पैड को बैक साइड से फिर से रब कीजिए। जैसे जैसे आप इसे रब करेंगे इसकी चमक बढ़ती जाएगी।
आइए अगली टिप के लिए चलते हैं हमारे रसोई घर में। अगर खाना बनाते समय आपका चकला हिलता हो तो हमें चाहिए कोई भी पुराना इरेजर, रबर, इसकी तीन पतली स्लाइस कट कर लीजिए और चकले के तीनों पैरों पर इसे फेविक्विक की सहायता से चिपका दीजिए। रबर के कारण अब आपका चकला हिलेगा डुलेगा नहीं, अपनी जगह पर बना रहेगा। ध्यान रखिएगा कि रबर की स्लाइस एकदम पतली और सीधी कट कीजिएगा।